Next question. Question says a point charge Q is placed at the center of a cube of side L. सवाल ये the electric flux emerging from the Q will be. तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे हम ऑलरेडी पहले बातें कर चुके हैं इस तरह की. सो ये आपका क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पे आपने कोई एक चार्ज Q रख दिया है. सो ये हमें पता है नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस लॉ से. सो दिस विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी Q बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी द राइट आंसर. राइट, अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए कि किसी एक फेस से कितना निकलेगा, उसका आंसर होगा 1/6 ऑफ दिस पार्ट. बट इस सवाल में हमसे पूछा है कि पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो उसका आंसर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट चॉइस.